वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक फ्लावर को रियलिस्टिक ड्रॉ करेंगे। आउटलाइन मैंने पहले ही ड्रॉ कर लिया है, तो चलिए अब इसे हम सेट करते हैं। सेट करने के लिए मैंने 2B पेंसिल का यूज किया है। मैं हल्के प्रेशर के साथ सबको सेट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। आप भी ऐसे धीरे धीरे सेट कर सकते हैं। मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया है ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो आपका। मैंने पूरे फ्लावर पे सेम टेक्निक का यूज़ किया है। आप भी ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए मैं कैसे कैसे शेडिंग कर रहा हूँ। फ्लावर के पंखुड़िया के जो ऊपर का हिस्सा है, मैं वहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करके थोड़ा सेट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं, ताकि रियलिस्टिक दिखे। शेडिंग करना बहुत ही आसान है, थोड़ा पेशेंस के साथ आप भी ऐसे कर सकते हैं। पूरे फ्लावर पे मैंने सेम टेक्निक का यूज किया है। पंखुड़िया के ऊपर वाले हिस्से को थोड़ा डार्क कर रहा हूँ और नीचे थोड़ा थोड़ा लाइट प्रेशर के साथ सेट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं कीजिए, बिल्कुल आराम आराम से सेट कीजिए। आप भी ऐसे कर सकते हैं, बहुत ही ईजी होता है ड्रॉ करना, बस थोड़ा पेशेंस की आवश्यकता होती है इसमें। थोड़ी सी भी अगर आपने जल्दीबाजी की तो पूरा जो ड्रॉइंग होगा बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं दिखेगा, भद्दा सा बिल्कुल दिखेगा। मुझे इस फ्लावर को सेट करने में लगभग 45 मिनट से भी ज़्यादा समय लग चुका है। आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना टाइम लगता है। पत्ता को ड्रॉ करने के लिए मैं चारकोल पेंसिल का यूज कर रहा हूँ। बहुत ही हल्के हाथों से मैं शेड कर रहा हूँ, थोड़ा सा ही मैं प्रेशर का यूज नहीं कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। लीफ पे मैं वाटर ड्रॉप भी बनाऊंगा, इसको हाईलाइट करने के लिए मैं वाइट जेल पेन का यूज किया। चलिए अब बैकग्राउंड ड्रॉ करते हैं ताकि हमारा जो फ्लावर है बिल्कुल उभर के आए और अच्छा सा बिल्कुल रियलिस्टिक दिखे। सिंपली मैं चारकोल पेंसिल का यूज करके थोड़ा प्रेशर अप्लाई करके मैं बिल्कुल डार्क कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो ग्रेफाइट पेंसिल का यूज करके भी ऐसे कर सकते हैं। बैकग्राउंड सेट करने के बाद हमारा फ्लावर बिल्कुल रियलिस्टिक और सुंदर दिखेगा। सिंपली सबको चारकोल पेंसिल से सेट करने के बाद मैंने कॉटन से ब्लेंड कर दिया ताकि बीच में जो वाइट वाइट पैच दिख रहा है बिल्कुल ना दिखे और हमारा रियलिस्टिक बैकग्राउंड दिखे। जहाँ पे कम स्पेस है वहाँ सेट करने के लिए मैंने ब्रश का यूज किया ताकि
कॉटन से यूज करने पे फ्लावर हमारा ख़राब हो जाएगा। हमारा बैकग्राउंड भी कंप्लीट हो चुका है, चलिए अब देखते हैं ड्राइंग कैसा बना है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।